दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां वासुकी नाग रहते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि औरंगजेब जब इस मंदिर को तोड़ने आया तो तब वासुकी नाग जी ने अपना ऐसा विकराल रूप दिखाया था कि वो बेहोश हो गया। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। प्रयाग संगम के तट से उत्तर दिशा की ओर दानियागंज के उत्तरी कोने पर अति प्राचीन नाग वासुकी मंदिर है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान है। इस मंदिर की महिमा का बखान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु तीर्थ यात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो नाग वासुकी का दर्शन ना कर ले। नाग वासुकी मंदिर में शेषनाग और वासुकी नाग की मूर्तियां हैं। कुंभ, अर्धकुंभ, माघ के मेले और नाग पंचमी के दिन लाखों तीर्थयात्री मंदिर में दर्शन पूजन करने आते हैं। इस मंदिर का वर्णन पुराणों में भी आता है। नाग वासुकी मंदिर की काफ़ी पौराणिक मान्यता भी है। इस मंदिर के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर आके पूजा करने से काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गंगा तट पर स्थित प्राचीन नाग वासुकी मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है। श्रावण मास में तो शिवालयों की तरह नाग वासुकी मंदिर में रुद्राभिषेक, महाअभिषेक व काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता है। मुगल काल में जब हिंदू धर्म स्थलों को पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा था उस समय नाग वासुकी मंदिर भी तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन जब इसमें मुगल सैनिक सफल नहीं हुए तो इसकी ख्याति मुगल शासक औरंगजेब तक पहुंची, तो वो खुद प्रयागराज आए और उसने नाग वासुकी मंदिर को तोड़ने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि औरंगजेब गंगा तट की ओर मंदिर में पहुंचा और अपनी तलवार निकालकर जैसे ही नाग वासुकी की मूर्ति पर वार किया, अचानक नाग वासुकी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके विकराल और भयंकर स्वरूप को देखकर औरंगजेब कांपने लगा और डर कर बेहोश हो गया। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस जगह पर वासुकी नाग क्यों आए। पद्म पुराण के पाताल खंड व श्रीमद् भागवत में नाग वासुकी में इस मंदिर का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन में देवता और असुर ने नाग वासुकी को सुमेरु पर्वत पे लपेट कर उनका प्रयोग रस्सी के तौर पर किया था। मंथन के चलते नाग वासुकी के शरीर पर काफ़ी रगड़े लग गई थी और जब मंथन समाप्त हुआ तो उनके शरीर पर जलन होने लगी। जलन को दूर करने के लिए नाग वासुकी मंत्रांचल पर्वत चले गए, लेकिन उनके शरीर की जलन खत्म नहीं हुई। तब नाग वासुकी ने भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा के बारे में बताया और जलन खत्म करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने नाग वासुकी को बताया कि वो प्रयाग चले जाएं और वहाँ सरस्वती नदी के अमृत जल का पान करें और वहीं पर विश्राम करें, इससे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। मंदिर के गर्भगृह में नाग नागिन की स्पर्शधारी प्रतिमा है जिसे नाग वासुकी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने नाग वासुकी को मूर्ति के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पर मौजूद पत्थर 10वीं सदी के प्राचीन पत्थर हैं। मंदिर परिसर में गणेश व पार्वती, भीष्म पितामह की लेटी हुई प्रतिमा व भगवान शिव की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इस मंदिर को सैकड़ों वर्षों पहले नागपुर के राजा श्रीधर घोसले ने जैनोद्वार करवाया था, जबकि 2001 में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने मंदिर की फर्श व दीवारों को ठीक करवाया था। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी मूर्ति के बारे में जानना चाहते हो जिसे शेष नाग ने बचाया था तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।